मेरा नाम सानवी है। तो आज मैं एक वीडियो बनाऊंगी। पता है क्यों इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाई? क्योंकि मेरी स्टडीज और एग्जाम मैं पढ़ रही थी इतने दिनों से। तो आज वेलकम, आज मैं एक वीडियो बनाऊंगी। इसलिए आज कल मेरी मम्मा का बर्थडे है, तो आज मैं 12 बजे उनको सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो मैं केक बनाऊंगी, वो भी पार्लर जी और हाइड एंड सीक बिस्किट का। तो मैं शुरू करती हूँ। हमको दो पैकेट पार्लर जी बिस्किट के चाहिए, एज मीनिंग वन पैकेट ऑफ हाइड एंड सीक, और वी नीड मिल्क और बादाम एंड ऑयल। तो मैं बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमको नमक चाहिए, नमक कढ़ाई में डालना। ये देखो, और उसको प्रीहीट होने के लिए रखना है। अब तब तक मैं पार्लर के बिस्किट को खोल के इसके टुकड़े टुकड़े करके मिक्सी में डालने लग दूंगी। हमको मैक्सिमम इतने इतने टुकड़े करने हैं। अब हम इसको मिक्सी वाले जार में ग्राइंड करेंगे और इसका पाउडर कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसका पाउडर बना चुके हैं। अब हम इसको एक बाउल में रखेंगे। अब हम हाइड एंड सीक का भी वैसे टुकड़ा टुकड़ा करके पाउडर बनाएंगे। अब मैं इसका पाउडर कर दूंगी। लीजिएगा, तैयार है हमारा पार्लर जी और हाइड एंड सीक बिस्किट का पाउडर। अब मैं इसको अलग बाउल में रख दूंगी। अब मैं दोनों में एक एक चम्मच ऑयल डालूंगी। हमने ऑयल डाल दिया और अब हम चॉकलेट फ्लेवर में चुटकी भर नमक डालेंगे। दोनों में आलमंड्स, दूध डाल के इसका थिक बैटर बनाऊंगी। अब मैं दूध डालूंगी। अब हम इसको मिक्सर से मिक्स करेंगे। अब हम वैसे ही जल्दी जल्दी पार्लर जी बिस्किट का करेंगे। धीरे धीरे दूध डाल के हम थिक बैटर बनाएंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। Now we'll put again milk.
क्रंची वाला बैटर भी तैयार है। अब हम चॉकलेट वाले में थोड़ा सा कोको पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास कॉफी भी है आप कॉफी भी डाल सकते हैं। अब हम इसको बीट कर लेंगे फिर से अब हम हीनो लेंगे एक पैकेट, दोनों में आधा आधा डाल देंगे। फटाफट से बैटर को मिक्स करेंगे। जिस बॉक्स में हम केक बनाएंगे उस बॉक्स में मैं थोड़ा चारों तरफ से ऑयल कर दूंगी और फिर थोड़ा सा हम आटा कर लेंगे। आटे छिड़क देंगे इसलिए डालते हैं क्योंकि फिर उससे केक चिपकता नहीं है। और अब मैं अपना फायर जी वाला उसमें डाल दूंगी। अब हम इसको थोड़ा लेवल में लाएंगे छिटक के। इसके ऊपर अब मैं अपना चॉकलेट वाला बैटर भी डाल देती हूँ। हमारा बैटर रेडी है। अब मैं इसको कढ़ाई पर लो फ्लेम में 35 मिनट्स के लिए डाल दूंगी, पकने के लिए रख दूंगी। देखिए इसको चेक कर लेंगे, केक तो बन गया। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, केक बन गया। उसको आधा घंटा के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। बन गया देखो। अब मैं अपनी मम्मा को बोल के इसको डीमोल्ड करवा दूंगी। मम्मा प्लीज। ओके बेटा वन मिनट। देखिएगा हमारा केक बन गया और कितना सॉफ्ट है, पोंजी बना है। तो अब हम इसकी आइसिंग करेंगे। This is ready of my cake. Now I'll put it in the freezer for an hour.